हाय गाइस, आपने स्क्रीन पर एक वीडियो देखी। अगर आप भी ऐसी स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना। इसमें मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप जो ऐसी वीडियो बना सकते हो। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो कैनमास्टर है, इसको आप डाउनलोड करके आप ऐसी वीडियो बना सकते हो। और इसमें जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैनमास्टर जैसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको जो क्रिएट न्यू पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है 9x16 रेशिया जो है सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ से भेज चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो एडिट करनी है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो जो 6 सेकेंड की है या 5 सेकेंड की, उसको आपको एडिट करनी है। तो मैं वहाँ यहाँ पर आपको वो वीडियो एडिट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, इधर मैं डाउनलोड वाला ऑप्शन में चला जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो उसे एडिट कर सकते हो। तो गाइस, ये है वो वीडियो। इसके में जैसे ऐड करता हूँ ये ऐसे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शुरुआत में चले आना है। यहाँ पे आपको एक इमोजी लगा देनी है। यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये वाली इमोजी लगा लेनी है। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको थोड़ा छोटा कर देना है। छोटा करके यहाँ पर आपको इसको एडजस्ट कर देना है। जैसे एडजस्ट करोगे सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट कर देना है। मैं आपको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके इन एनिमेशन में जाके यहाँ से आपको एक एनिमेशन दे देना है। इसमें मैं आपको दे के दिखा देता हूँ। उसके बाद गाइस आपको जो है सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे आपको जो है फुल स्क्रीन में एडिट में चले जाना है। उसके बाद फुल स्क्रीन कर देना है। इसकी डायरेक्शन को आपको जो है 0.5 कर देनी है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ऐसे गाइस इसी वीडियो में चले जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है दो पिक ऐड करनी है। वो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दो पिक ऐड करनी है। तो गाइस यहाँ पे मैं ये दो पिक ऐड कर देता हूँ, एक ये वाली। फिर से मुझे लेयर में चले जाऊँगा। यहाँ पे आपको जो है एक दूसरी पिक ऐड करनी है, तो मैं ये वाली ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है शुरुआत में चले आना है। यहाँ पे आपको जो है सॉन्ग ऐड कर देना है, वो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है एक सॉन्ग मिलेगा ये वाला। इस पर आपको क्या करना है, नीचे चले जाना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑडियो पे जो है क्लिक करना है, इसका सॉन्ग निकल आएगा। उसके बाद इसको डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट करेंगे आपकी ये वीडियो जो है ऐसे बन जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको जो है बिल्कुल बैक चले आना है। बैक चले आके फिर से आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद 9x16 रेशिया सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको जो है कुछ पिक ऐड करनी है आपकी अपनी। मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा आगे आपको क्या करना है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस मैंने इधर कुछ पिक ऐड कर ली। उसके बाद इसको आपको जो है एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है। जैसे सेव करोगे आपको थोड़ा वेट करना है, ये वीडियो सेव हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है। फिर से आपको जो है बैक चले जाना है। उसके बाद आपको उसी वीडियो में चले जाना है जो आप पहले जो है एडिट कर रहे थे, ये वाला वीडियो। उसके बाद यहाँ पर आपको वो वीडियो एडिट कर देना है जो आपने अभी जो एक्सपोर्ट किया है। तो मैं यहाँ पर वो वीडियो एडिट कर देता हूँ जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पर वो वीडियो मैं एडिट कर दूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। तो गाइज़ ये है वो वीडियो। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने वो जो वीडियो ऐड कर ली है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जो भी सॉन्ग बचा है यहाँ पे आपको जो है अपनी पिक ऐड करनी है। वो ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा आगे आपको क्या करना है। आपके पास जो भी पिक है सारे आपको यहाँ पे ऐड करनी है जहाँ तक आपका सॉन्ग चल रहा है। चलिए गाइज़, तो मैं आपको जो है ऐड करके बता देता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइज़ ये देखिए, मैंने सब पिक जो है ऐड कर ली। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इसको बड़ा कर लेना है। जैसे दोनों हाथ से बड़ा करेंगे उसके बाद शुरुआत में चले आना है।
फिर से आपको जो है यहाँ से इसको बड़ा कर लेना है। जैसे बड़ा कर लेंगे यहाँ से ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो जाके इस पिक पे क्लिक करके यहाँ तक यहाँ से आपको जो है इसको कट कर देना है। कैंची वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। जैसे कट करेंगे यहाँ से ये कट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको इसका वॉल्यूम बंद करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद आज आपको क्या करना है, यहाँ पे शुरुआत में चले आना है। यहाँ पे आपने दो पिक लगाई थी यहाँ पे, तो यहाँ से आपको जो है इसको सॉन्ग को जो है सुन लेना है पहले। उसके बाद मैं सॉन्ग को सुन लेता हूँ। यहाँ से इस वाली पिक को जो है यहाँ से लेके यहाँ पे आपको जो है ये वाला ऐसा डिलीट कर देना है। यहाँ से जो है शुरुआत होती है ऐसे डिलीट करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आना है, यहाँ से इस वाली पिक को जो है यहाँ तक ले आना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसको भी जो है डिलीट करना है आगे वाला ऐसा। जैसे करेंगे उसके बाद ये सॉन्ग लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको, यहाँ से जो है यहाँ से सॉन्ग शुरू होता है, तो यहाँ पे आना है आपको। यहाँ से आपको इस सॉन्ग को जो है सिलेक्ट करके इस वाले सॉन्ग को जो है आधे को डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है ये देखिए पिक थोड़ा और बढ़ गया, तो यहाँ से आपको जो है इतने वाले इस पर क्लिक करके थोड़ा आगे करके आगे कर लेना है। यहाँ से सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा इधर करके थोड़ा आगे कर, यहाँ पे आपको जो है इस वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट करेंगे ये देखिए गाइस, ये सही से आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है एक वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको आपको जो है यहाँ पे लगा लेना है। तो इसको पहले छोटा कर देना है, यहाँ पे जहाँ से जो है दो फोटो शुरू होते हैं यहाँ पे आपको जो है लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। एक वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये वाली, इसको डाउनलोड करके यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करके यहाँ से आपको जो है इसका वॉल्यूम को बंद कर देना है। और उसके बाद आपको जो है ब्लेंडिंग में चले जाना है नीचे। ब्लेंडिंग में जाके यहाँ से आपको इसको स्क्रीन कर देना है। जैसे स्क्रीन करेंगे ये जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन पे जो है ट्रांजिशन ऐड करने हैं। वो आपको कैसे करने हैं, यहाँ पे इस वीडियो को जो है थोड़ा बड़ा कर लेना है। ये देखिए गाइस मैंने बड़ा कर लिया। उसके बाद आपको पहली पिक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको क्रिप्टोग्राफिक में जाके यहाँ से आपको स्वीट लाइन पे जो है क्लिक करके यहाँ से आपको चौथे नंबर वाला ऐड कर लेना है। ये अगर आपको डाउनलोड नहीं हो रहा, जैसे आपने कॉल मी डीजे डाउनलोड किया था वैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, या मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी उस पर आपको देखकर इसको ऐड कर लेना। उसके बाद चौथा नंबर ऐड करेंगे, ये देखिए गाइस। उसके बाद ओके कर देंगे, फिर से दूसरी पिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक ग्राफिक में जाके यहाँ पे आपको जो है इसी में जाके चौथा नंबर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको जो है आगे चले आना है, ये जो सॉन्ग है आपको इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो ये पिक आएगी इस पर आपको क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में जाके स्वीट लाइन में जाके यहाँ पे आपको नीचे जाके 19 नंबर जो है सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दूसरी पिक पे क्लिक करके यहाँ से भी उसी भी जो है ट्रांजिशन में जाके यहाँ से 19 नंबर सिलेक्ट कर देना है। इसमें आपको जो भी पिक मिलेगी सब पे आपको जो है 19 नंबर सिलेक्ट कर देना है। ये मैं सिलेक्ट करके आपको उसके बाद बता दूँ आगे आपको क्या करना है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइज मैंने सब पे ऐड कर लिया। उसके बाद आपको इसको जो छोटा कर देना है जैसे पहले छोटा था, वरना वीडियो बहुत मुश्किल होगी जो है ऐड करने में। तो यहाँ से मैंने छोटा कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको आगे बता देता हूँ। यहाँ से आपको वीडियो की शुरुआत में चले आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक PNG की लिंक मिलेगी, बॉर्डर PNG की, उसको आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे ये वाली बॉर्डर PNG की लिंक मिलेगी आपको, इसको आपको जो है ऐड कर लेना है। तो गाइस अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये वीडियो कैसे बनी है। ये देखिए गाइस ये वीडियो कुछ ऐसे बनी है।
ये देखिए गाइस, ये वीडियो कुछ ऐसे बनी है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।